जिस देश में नौकरी पाना एक सपना है, वहाँ पे नौकरी देने को एक व्यापार के रूप में बदल देना, ये Naukri.com की एक बड़ी उपलब्धि है। आज पांजन्य और ऑर्गेनाइजर की टीम आपसे ये पूछना चाहती है कि जिस दौर में इंडिया के अंदर जो WWW है वो शुरू ही हुआ था, उस दौर में इतनी बड़ी क्रांति का विचार आपके मन में कैसे आया था? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो आइडिया छोटा था, हमने कोई बड़ा सपना नहीं था, छोटा सा सपना था कि अगर उस समय केवल 14,000 लोग थे जिनके पास इंटरनेट अकाउंट था देश में, हम इसी से काम कर निकाल लेंगे, ग्रो होगा तो देखेंगे, पर छोटे से चालू करो। अगर 1,000 कंपनियां एक जॉब लिस्ट करें ₹500 पर प्रति महीना, तो महीने के 5 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी, साल में 60 लाख उसी से गुजारा कर लेंगे। तो आइडिया छोटा था, हम मेहनत की, इंटरनेट बड़ा बन गया, हम साथ में बड़े बन गए। तो जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं वो अक्सर छोटी, स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, मैं बोलता हूँ, सपना बड़ा हो लेकिन शुरुआत छोटी है फिर भी ठीक है। सर, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स Naukri.com यूनिक एज देयर आर मेनी अदर रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स? आई थिंक वी स्टार्टेड विद अ वेरी डीप कस्टमर इनसाइट। हमको कस्टमर की पहचान थी, हमको मालूम था कि क्या अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वी न्यू व्हाट द अनसॉल्व प्रॉब्लम वाज एंड वी जस्ट केप फोकसिंग ऑन दैट। सो आई थिंक अगर आपको, इफ यू हैव अ डीप कस्टमर इनसाइट, यू कैन बिल्ड अ बिग कंपनी। सर, हाउ डू यू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ कंपनी एंड द वन हु इज रिक्रूटिंग फॉर द जॉब, हु इज लुकिंग फॉर द जॉब, द जॉब सीकर? सर, हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे लोग नौकरियां खोजने आते हैं, कंपनियां नौकरियां डालती हैं, लोग अपना रिज्यूमे डालते हैं, कंपनियां रेज्यूमे सर्च करती हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और हमारी सेल्स टीम भी है, सर्विस टीम भी है, अगर किसी को परेशानी हो, कठिनाई हो, तो उनसे संपर्क करके वो सॉल्व कर लेते हैं। सर, एक दौर था जब न्यूज़पेपर के थ्रू या विज्ञापनों के थ्रू जो है वो नौकरियों की इश्तिहार दिए जाते थे, वो पूरी तरीके से बदल चुका है और एक नहीं कई कंपनीज जो हैं इस लिस्ट में आ चुकी हैं। इसने कितना परिवर्तित किया है एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं उनको, क्योंकि सबके पास तो न्यूज़पेपर की भी उस वक्त में भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। देखिए, हमने ये पाया कि अगर 100 जॉब है मार्केट में, अगर 100 वैकेंसीज हैं, तो 90 वैकेंसी के लिए इश्तिहार नहीं जाता अखबार में, क्योंकि इश्तिहार डालना अखबार में थोड़ा महंगा था, तो कंपनियां बिना इश्तिहार दिए वैकेंसी फुल कर देती थी। तो हमने जब इंटरनेट पे किया तो एकदम प्राइस हमने कम रखा और उस कम प्राइस से पूरी 100 नौकरियां आ गई एक ही जगह। तो उससे मार्केट प्लेस खुला, ओपन एक्सेस हुआ और लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली और उससे बढ़ता चला गया। आज जो इंडिया का मार्केट है वो बहुत बड़ा हो चुका है, हम लगातार यूनिकॉर्न्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इस बीच में एक चीज़ आती है कि लोग हमेशा लोगों की सक्सेस देखते हैं। आपके बारे में जब हम पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब आप अपना स्टार्टअप इन्फो एज चला रहे थे, आपके पार्टनर के साथ आपकी स्प्लिटिंग हुई, आपको वाइफ ने काफ़ी समय तक संभाला, और देन ऐसा हुआ है कि आपने ट्यूशन्स वगैरह भी लिए हैं। तो जो स्टार्टअप की जर्नी है, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की जर्नी है, उसकी जो मंजिल है वो कितनी सुनहरी है वो तो बाद में तय होगा, लेकिन उसका जो सफ़र होता है वो कितना मज़ा देता है? देखिए, स्टार्टअप करना शुरू शुरू में स्ट्रगल होता है, क्योंकि पैसे कम होते हैं, कस्टमर नहीं मिलता है, प्रोडक्ट आप बना रहे हो लेकिन शायद कस्टमर को पसंद नहीं है, तो कई साल लगते हैं। हमें तो 10 साल लगे बिफोर वेंचर कैपिटल रेस करने से पहले, वी स्ट्रगल फॉर 10 ईयर्स, हम बूटस्ट्रैप किया, 10 साल में से 6 साल मैंने तनख्वाह नहीं ली, मैं कंपनियों को अफोर्ड नहीं कर सकती तनख्वाह देना, तो मैं कॉलेज में टीच करता था वीकेंड्स पे ताकि कुछ पॉकेट मनी मिल जाए। तो इस तरह 10 साल में गुजारा किया, फिर जाके कंपनी बड़ी बनी। सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया एम एट ग्लोबल अनसर्टेनिटी? सी, यू हैव टू फोकस ऑन योर कस्टमर्स एंड योर मार्केट एंड योर प्रोडक्ट, नेवर माइंड ग्लोबल। अगर आपको अपने कस्टमर मिल जाए, अपनी सेल हो जाए, यू विल बी फाइन। सो आई थिंक इंडियाज फ्यूचर इज ब्राइट सिंपली बिकॉज वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, एन एस्पिरेशनल पॉपुलेशन, अ हार्ड वर्किंग यंग पीपल, वी आर ग्रोइंग वेल एज एन इकॉनमी। तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज खूब है, बस वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज।